क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी घमासान जारी है। विपक्षी दल नए संसद भवन को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले केंद्र सरकार को घेरा है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देश को नई संसद की जरूरत नहीं थी और सरकार ने केवल इतिहास बदलने के उद्देश्य से नई संसद का निर्माण करवाया है। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर, अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को ना करना चाहिए था। जो आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या, कल हो करके इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल हैं, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे, आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह प्रखंड हरनौत क्षेत्र के निहुसा पंचायत के महेशपुर गांव के वार्ड संख्या 18 के गांव में सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने विरोध किया है। जहां ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड संख्या 18 में नाली और गली ढलाई का कार्य पूरा नहीं किया गया और सड़क बनवाने को लेकर आवेदन दिया गया है, उसके बाद सरकार की तरफ से काम करने के बदले सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। वहीं इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी उज्जवल कांत ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। रोड नहीं, कटिया रोड है, मेघ पर है, जिसमें मेघ पर था गाड़ी छकड़ाना बंद हो जाए। गांव में भी नाली भी ना है, नहीं आधा गांव में ढलैया भी नहीं, कुछ कोई चीज की व्यवस्था ही गांव में नहीं है। अच्छिलका पर से उधर जाए लगी, उधरों भी रोड नहीं, उधरों भी कटिया है, मेघ पर है, को गुनी कुहियो नहीं आवा है, को गुनता गाड़ी घोड़ा आवे से कोई मतलब तो ही। गांव के मुख्य रास्ता है जी? हाँ, मुख्य रास्ता तो है, ये है चार चक्का आने का रास्ता है। हाँ, चार लाइन वाला है। बिहार के मोतिहारी में अपनी खोई जमीन की तलाश में जेल से निकलने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके पहले आनंद मोहन ने मोतिहारी के गांधी स्मृति स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थल पर फूल माला चढ़ाया। बताया जा रहा है कि पताही के सिंहेश्वर हाई स्कूल के मैदान में फ्रेंड्स ऑफ आनंद ने विशाल समारोह का आयोजन किया, जहां समारोह को संबोधित करते हुए आनंद मोहन ने केंद्र सरकार को जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता, जिसको गोली लगी 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। FIR कहता है ईंट डंडे लाठी पत्थर से पीट कर बेहोश कर दिया गया, तो जो जिंदा नहीं रह सकता 3 सेकंड, उसका इलाज 1 घंटा 45 मिनट। SKMCH को जाइए, मीडिया के लोगों, हमको घेरने वाले लोगों, हमको तुम तराम करने वाले लोगों, हमको अपमानित करने वाले लोगों, आनंद मोहन जी निकले हैं तो सही माने में पेट में दर्द होने लगा है। ऐसे लोगों को आप लोग सबक सिखाइएगा और हम यही कहेंगे
या ऐसे लोग जो दोहरे चरित्र के लोग होते हैं, मुंह में कुछ है पेट में कुछ है। हम इतने दिन के बाद खुशी मना रहे हैं, दिवाली दशहरा होली हमारे यहाँ नहीं हुआ, बेटे के शादी में थोड़ा खुश हो गए, बेटी की शादी में थोड़ा खुश हो गए, तो इन लोग को हमारी खुशी में ग्रहण। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल, पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू, खबरों में रफ्तार बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज, प्राइम टीवी सच साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबर की ओर। एक बार फिर से सुगौली में चल रहे अवैध नर्सिंग होम में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नीतेश नर्सिंग होम में इलाज के दौरान शुक्रवार को एक मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने नीतेश नर्सिंग होम पर गलत इलाज का आरोप लगाया है और आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 28 बस स्टैंड चौक पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर देखा जा रहा है कि स्टेशन रोड में दवा दुकान में एक बच्चा के इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, सर इस संदर्भ में आप क्या कहिएगा? इस घटना की सूचना हमें प्राप्त हुई है, इसी के आधार पर इसकी सत्यता के लिए हम एक मेडिकल टीम का गठन किए हैं, उसी के आधार पर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराब की छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में बेला थाना क्षेत्र के पासवान टोला में शराब की सूचना पर छापेमारी के लिए गई बेला थाने की पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पथराव में पीएसआई सोनू कुमार और क्यूआरटी का एक जवान के चोटिल होने की बात सामने आ रही है। वहीं पुलिस ने शिवनाथ चौधरी को गिरफ्तार किया है। टोला के पास में पासी टोला बोलता है वहाँ पर, तो जैसे ही पुलिस वहाँ गई है, एक घर चिन्हित हुआ था जिसमें शराब विक्रेता रहते थे, तो उसमें एक व्यक्ति मिले हैं, उसके बाद से पूरा गांव जुट करके पुलिस पर हमला कर दिया और पूरा ढेला पत्थर करने लगा। पुलिस एक व्यक्ति को उसमें से पकड़ा था और सब लोग फिर ज़्यादा गंभीर मामला हो जाने के कारण और सब पकड़ में नहीं आए थे। इस संदर्भ में बेला थाना में एक प्राथमिकी। बिहार में बाढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत उमानाथ गंगा घाट में स्नान करने के दौरान दो नाबालिग सगे भाई डूब गए, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और आसपास के ग्रामीणों ने दोनों बच्चे के शव को बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने दोनों भाइयों के शव को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में लाकर उसका पोस्टमार्टम कराया। डूब गया, उसके बाद आए तो खोजे, उसके बाद मिला तो खोजे, बहुत तो मिल गया। तो दोनों बच्चा क्या सगा भाई है? दोनों सगा भाई है। कहाँ का रहने वाला? वही वो माना कि पुरानी बारहवीं टोली का, टोली के पास। तो आपका क्या नाम हुआ? अर्जुन। अर्जुन, बच्चा का क्या नाम हुआ? वो राजेश नाम हुआ।
बिहार में भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के जगरिया पंचायत के शाजादपुर गांव में एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला, जहां महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों का कहना है कि शादी के 2 महीने बाद से ही पति के महिला को प्रताड़ित करता था और दहेज के लिए दबाव बनाता था। वहीं परिजनों ने पति पर हत्या का मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया है और पुलिस हत्या और आत्महत्या मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।